हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे दलिया। फ्रेंड्स, ये दलिया बहुत ही हेल्दी होता है और आज की वीडियो में मैं दलिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका कारण है कि मार्केट में जहाँ सब्जियाँ महंगी हो रही हैं और टमाटर भी बहुत महंगे हो रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो दलिये की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही हेल्दी है और आप इसे दिन में एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, दलिया दो तरीके का बनता है, एक नमकीन और एक मीठा। तो इस वीडियो में मैं मीठे दलिये की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर प्रेशर कुकर रख दिया है और ऑयल डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैंने दो छोटी इलायची को कूटकर डाल दिया है और अब मैंने लगभग आधा कप दलिया इसके अंदर डाल दिया है और अब इसे मैं धीमी आंच पर सेक लूँगी। फ्रेंड्स, ये जो मीठा दलिया हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ऑयल डाल करके इलायची के दाने डाल दिए और उसके बाद मैंने दलिया डाला है। अब इसे बहुत अच्छे से हमें सेक लेना है। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तब तक हमें सेक लेना है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब तक ही आप इसे सेकें। और इसके लिए आपको इसे धीमी आंच पर रखना होगा। यदि आप तेज़ आंच पर इसे सेकेंगे तो इसमें जलने की स्मेल आने लगेगी और तब दलिया अच्छा नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने धीमी आंच पर इसे अच्छे से भून लिया है और इसमें धीरे धीरे से कलर भी आता जा रहा है और एक अच्छी सी महक भी इसमें आती जा रही है। तो आप देख सकते हैं, लगभग 3 से 4 मिनट तक आप इसे सेक लीजिए और इसे लगातार चलाते रहिए जिससे कि वह जलेगा नहीं। फ्रेंड्स, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हैवी खा लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ लाइट खाने का मन करता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको यदि कुछ लाइट खाना है और हेल्दी खाना है तो आप ये दलिया बना सकते हैं। और यदि आप नाश्ते में इसको बनाते हैं तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। ये बहुत ही हेल्दी होता है, पौष्टिक होता है और इससे पेट भी फटाफट से भर जाता है। और आप इसे बनाकर पूरा दिन भी रख सकते हैं, सुबह बना लीजिए और शाम तक भी इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसमें धीरे धीरे से कलर भी आता जा रहा है और यहाँ पर इसमें से एक अच्छी सी महक भी आने लगी है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा पतला सा दलिया बना रही हूँ तो इसमें ज़्यादा पानी डालूँगी। तो यहाँ पर आधे कप के लिए मैं लगभग 3 कप पानी डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। तो यही सही स्टेज है। और अब यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूँगी सौंफ और काली मिर्च। तो फ्रेंड्स, सौंफ और काली मिर्च स्किप ना करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ेगा। और सौंफ, काली मिर्च, इलायची जो हम इसमें डाल रहे हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इसलिए इसे स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि ये दलिया पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो कम पानी न डालें। और अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 कप पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद मैं इसमें 1 पिंच नमक डाल दूँगी जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, जब भी आप कोई मीठी चीज़ बनाएं उसमें 1 पिंच नमक ज़रूर डालें जिससे कि उसका स्वाद जो है एनहेंस हो जाएगा। 1 पिंच नमक डाल दूँगी। और अब यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है और गुड़ की जगह पर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं या देसी खांड भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड़ डालने से ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगा
और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो गुड़ को टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और तब इसे डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ डालें। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम गुड़ डाल दीजिए। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें लगभग 4 से 5 विसल आने तक फ्लेम को ऑन रखेंगे। और लगभग 5 विसल आने के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। और फ्लेम को ऑफ़ करने के 10 मिनट के बाद आप कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब 5 विसल आ जाएं तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और लगभग 10 मिनट के बाद ही कुकर का ढक्कन आप खोलिए, जिससे कि दलिया अच्छे से गल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने 10 मिनट के बाद खोल दिया है और ये दलिया बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसमें समय भी बहुत कम लगता है और ये बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही हेल्दी है। आप घर के किसी भी मेंबर को खिला सकते हैं। कभी हम बाहर का खाना खा लेते हैं और बहुत हैवी हो जाता है, तो बाद में हमें कुछ हल्का खाने का अगर मन हो तो हम इसे ज़रूर बनाकर खा सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और बच्चों को ज़रूर बनाकर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ट्राई करें ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ट्राई करिए ये रेसिपी और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।